हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। याद रहे, हर एक पॉइंट से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सेम टू सेम एनसीईआरटी के लाइनें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्विक रिविजन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी से। फर्स्ट पॉइंट इज, एल्गी आर हाईली वेरिएबल इन फॉर्म एंड साइज। दे आर यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस एंड ऑल्सो फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज लाइक कैल्प्स, ठीक है। तो एल्गी हम जानते हैं बहुत ही वेरिएबल फॉर्म में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। क्लोनियल फॉर्म में जैसे कि वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स किस में पाया जाता है? क्लोनियल फॉर्म में। फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो फिलामेंटस फॉर्म में स्पाइरोगाइरा, यूलेट्रिक्स, ये सब फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन इससे भी नीट में आया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्लोनियल एल्गी किसे कहते हैं? वॉलवक्स। क्लोनियल एल्गी का एग्जांपल कौन सा है? वॉलवक्स। वैसे ही मैच करने के लिए आया था, एक यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस, तो ध्यान रहे आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आइसोगैमी। आइसो मतलब होता है सेम और सिमिलर, तो फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमिट्स इन साइज इज आइसोगैमी। दिस गैमिट्स मे बी मोटाइल एज इन यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल एज इन स्पाइरोगाइरा, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है, स्पाइरोगाइरा का गैमिट कैसा होता है? नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजलेटेड, ठीक है, जबकि यूलोथ्रिक्स का गैमिट मोटाइल होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजलेटेड गैमिट इज फाउंड इन, तो क्या हो जाएगा आंसर? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। नेक्स्ट एनाइसोगैमी पे आते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिसिमिलर इन साइज इज एनाइसोगैमी। सम स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पेसीज क्या होते हैं? एनाइसोगैमी शो करते हैं। उगैमी पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उगैमी पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट इज टर्म्ड एज उगैमी। एग्जाम्पल हैं वॉलवॉक्स और फ्यूकस। यूगैमी में क्या होता है? फीमेल कैसी होती है? लार्जर होती है, ठीक है, और नॉन मोटाइल होती है, जबकि मेल स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को उल्टा करके आ गया था, जो कि रॉन्ग था। तो याद रहेगा फीमेल क्या होती है? लार्जर एंड नॉन मोटाइल, और मेल स्मॉलर एंड मोटाइल। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सी ओ टू फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या करते हैं? कम से कम 50% सी ओ टू फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफाइरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर एमॉन्ग 70 स्पेसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एज फूड। तो एल्गी को हम फूड के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम के स्पेसीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेनी एल्गल प्रोडक्ट लाइक एल्जीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। एल्जीन किससे ऑब्टेंड होता है? ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है, एल्जीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, वाइल केराजीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है, याद रहना चाहिए। एल्जीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, वाइल केराजीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। एल्जीन ब्राउन एल्गी, केराजीन रेड एल्गी आर यूज्ड कमर्शियली। अगार अगार, चलिए क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, अगार अगार इज ऑब्टेंड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो अगार अगार ऑब्टेंड होते हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, और अगार अगार का यूज क्या किस लिए करते हैं? टू ग्रो माइक्रोव्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज इन फूड सप्लीमेंट्स इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं और प्रोटीन रिच होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम सप्लीमेंट के रूप में स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सेम टू सेम सारे एनसीईआरटी की लाइन से, और हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। आप, मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया हुआ है, नीट प्रीवियस ईयर्स प्लांट किंगडम, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, हम एल्गी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पिगमेंट्स के बेसिस पे। क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी हो गया, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सेकेंड है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड है रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसिस है ग्रीन एल्गी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरेनोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज पाए जाते हैं जिसे हम पाइरेनोइड्स कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और पाइरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पाइरेनोइड्स में तो स्टार्च तो होते ही हैं, साथ में प्रोटीन भी ये स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है इन ग्रीन एल्गी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, इनर लेयर होता है सेलुलोज का और आउटर लेयर होता है पेक्टोज का। एग्जाम्पल की बात करें क्लोरोफाइसी के, क्या क्या आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से सिंपल ट्रिक है क्लासी कार SUV, ठीक है। क्लासी से क्या हो गया क्लेमाइडोमोनास, कार से कैरा, एस से स्पाइरोगाइरा, यू से यूलोथ्रिक्स और बी से वॉल्वॉक्स, ठीक है, याद रहेगा आपको। क्या फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, क्लासिक कार SUV। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ठीक है, सेकेंड पार्ट है एल्गी का, क्या फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म तो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 meters, ठीक है। ये भी ब्राउन एल्गी क्या ग्रेट वेरिएशन इन साइज शो करते हैं, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, ठीक है, विच मे रीच, देखिए सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म किस में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस में पाया जाता है, जैसा एग्जाम्पल है एक एक्टोकार्पस, और जबकि प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज इन केल्प्स, ठीक है। तो ये 100 meters की हाइट तक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर सेलुलोजिक सेल वॉल इज कवर्ड ऑन आउटसाइड बाई जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन, ठीक है। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, सेल वॉल सेलुलोज का तो होता ही है, साथ में साथ इसके आउटसाइड पे एक जिलेटिनस कोटिंग होता है जिसे हम एल्जीन कहते हैं, और एल्जीन आप पहले भी आया था, एल्जीन क्या है, एल्जीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड इन देम एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनरिन और मैनिटॉल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड स्टोर्ड होता है लेमिनरिन या फिर लेमिनरिन या मैनिटॉल के रूप में, ठीक है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है ब्राउन एल्गी से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है जैसे कि एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टोरेज क्या होता है, किस चीज़ का स्टोर होता है, फूड स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरिन और मैनिटॉल, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ब्राउन एल्गी में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बताओ बताओ A and C, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द गैमिट ऑफ दिस एल्गी आर पायरीफॉर्म पियर शेप्ड, ठीक है, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ठीक है। गैमिट क्या होते हैं ब्राउन एल्गी के, पायरीफॉर्म पियर शेप्ड में होते हैं और बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, ठीक है। कॉमन मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस, ठीक है। इसको अगर याद करना चाहें तो ट्रिक है इसका, एक्टोकार्पस के लिए एक दिन लास फूको, तो एक से एक दिन, एक से एक्टोकार्पस, दिन से डिक्टियोटा और लास लेमिनेरिया सार्गेसम, ठीक है, फूको फ्यूकस, ठीक है, इससे आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी का, तो रोडोफाइसी, अच्छा आप ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल को एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सही है, सेल्फ डिफेंस, क्या याद करना है, सेल्फ डिफेंस, इससे आप याद कर सकते हैं ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। S4 सार्गेसम, E4 एक्टोकार्पस, L4 लेमिनेरिया एंड F4 फ्यूकस और डिफेंस फॉर डिक्टियोटा, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रेड एल्गी पे, रेड एल्गी,
मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर फाउंड इन मेराइन वाटर विद ग्रेटर कंसनट्रेशन इन वार्मर एरियाज. वार्मर एरियाज में डीप सी में पाए जाते हैं रेड एल्गी. ठीक है. द रिजर्व फूड इन रेड एल्गी इज फ्लोरिडियन स्टार्च. रिजर्व फूड रेड एल्गी में क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च. जबकि ब्राउन एल्गी में मैनीटॉल, लेमिनेरिन और मैनीटॉल. ठीक है. ये पॉइंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है. द रिजर्व फूड इन रेड एल्गी इज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. ये अभी रिसेंट आया था, नीट 2020 का क्वेश्चन है कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू. ऑप्शन था इसमें चार, उसमें से एक ऑप्शन था एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. तो याद रहना चाहिए आपको. चलिए नेक्स्ट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी इज ओगैमस एंड एकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. ठीक है. रेड एल्गी में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है. ठीक है, याद रहेगा. ओगैमस कंडीशन फाउंड होता है रेड एल्गी में. रेड एल्गी के एग्जांपल हैं पोलिसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम. ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं पापा जी जी या पीपी जी जी. ठीक है, दो पी होंगे और दो जी होंगे. पोलिसाइफोनिया, पोरफाइरा एंड ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम. नेक्स्ट चलते हैं ब्रायोफाइटा पे. ठीक है, तो अब ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया है और इसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक क्विक रिविजन होगा आपका. ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. दे मे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स अब्सेंट होते हैं. ठीक है, इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है. मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मेड अप ऑफ हैप्लोइड सेल्स एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. ठीक है, मेन क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि ब्रायोफाइट्स के मेन प्लांट बॉडी कौन सा होता है, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? तो गैमेटोफाइट. ठीक है, और गैमेटोफाइट क्या होता है? फोटोसिंथेटिक भी होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है इसका. स्पोरोफाइट इन देम इज नॉट फ्री लिविंग. स्पोरोफाइट क्या होता है? फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट. स्पोरोफाइट एक्चुअली गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है. गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है और न्यूट्रिशन भी किससे लेता है? गैमेटोफाइट से. नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एस्फैग्नम प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्फैग्नम, जिसे हम पीट मॉस भी कहते हैं. ठीक है, पीट मॉस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स प्रोवाइड पीट, एस्फैग्नम प्रोवाइड पीट, जिसे हम एज अ फ्यूल, एक कोल का एक वेराइटी है जिसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं. और स्फैग्नम को पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, जिसके लिए जब भी हमें लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके ऊपर ये स्फैग्नम लपेट देते हैं. ठीक है, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है. मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. मॉसेज का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स का बहुत ज़्यादा होता है. कैसे? क्योंकि मॉसेज लाइकेंस के साथ पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक को कोलोनाइज करते हैं. आप इसे प्लांट सक्सेशन में पढ़ेंगे इकोलॉजी में. ठीक है, और इसलिए ये बहुत इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है. मॉसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, ये डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल पे. ठीक है, मॉसेज. बात करें लिवरवॉर्ट्स की, तो लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड एंड द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेटम. प्लांट बॉडी लिवरवॉर्ट्स का कैसा होता है? थैलॉइड होता है. और कैसा? डॉर्सी वेंट्रल होता है. ठीक है, द लीफी मेंबर्स ऑफ लिवरवॉर्ट्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडिजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है.
Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure called gyma, या gyma singular, ठीक है. Gyma are green multicellular asexual birds which develop in small receptacles called gyma cup. ये भी important points है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? लिवर वर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन थैलाई के फ्रेगमेंटेशन से टेक प्लेस होता है या फिर गीमा बनते हैं, गीमा कप, ठीक है. और गीमा क्या होते हैं, ये लाइन हूबहू नीट में आया हुआ है. गीमा आर ग्रीन ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गीमा कप्स, ठीक है. तो गीमा कप्स किस में पाए जाते हैं? लिवर वर्ट्स में. आप लिवर वर्ट्स के डायग्राम भी देखेंगे तो उसमें गीमा कप प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इन स्पोरो इन लिवरवार्ट द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल एज इन मर्केंसिया. मर्केंसिया का अगर एग्जांपल देखेंगे, फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. मियोसिस के बाद स्पोर्स कैप्सूल के अंडर प्रोड्यूस होते हैं. तो ये था लिवरवार्ट्स. बात करें मॉसेज का, लिवरवार्ट्स के बाद मॉसेज का, तो मॉसेज में क्या होता है? द गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ मॉस इज मेड अप ऑफ टू स्टेजेस. फर्स्ट इज प्रोटोनिमा, द फर्स्ट स्टेज प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्पोर. सेकेंड इज लीफी स्टेज, द सेकेंड स्टेज प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ प्रोटोनिमा. देखिए गैमेटोफाइट मॉस का दो स्टेज उसमें पाया जाता है. मॉस के गैमेटोफाइट में पहला होता है प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है, जो स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है. सेकेंड आता है लीफी स्टेज जो कि प्रोटोनिमा पे प्रेजेंट बर्ड्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेज में कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से और बर्डिंग किस में? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्डिंग से. कॉमन एग्जाम्पल मॉसेज के क्या हैं? फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम, एस्फैग्नम, ठीक है. मॉसेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड एस्फैग्नम, ठीक है. अच्छा, अगर आप पूरे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल को याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? हाँ, बात है ना. तो इसके लिए मेरे पास है एक अच्छा सा ट्रिक जिसे आप यूज करके याद कर सकते हैं. याद करना है आपको एसपी मार्च फर्स्ट. क्या ट्रिक है? एसपी मार्च फर्स्ट. तो एस से क्या हो जाएगा? एस्फैग्नम. पी से पोलीट्राइकम. मार्च से मर्केंसिया एंड फर्स्ट से फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया. तो याद रखिएगा एस से एस्फैग्नम, पी से पोलीट्राइकम, एम मार्च से मर्केंसिया एंड फर्स्ट से फ्यूकस. तो ये हो गया ब्रायोफाइट्स. सो स्टूडेंट्स, अब टेरिडोफाइट के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है. टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, ठीक है. ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइट. जबकि टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट जो कि डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में. थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में, याद रखिएगा. दे हैव वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर प्लांट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टेरिडो से. टेरिडो जिम्नोएंजियो और वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड टेरिडो में आते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल नॉन एज माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला और लार्ज नॉन एज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स. तो टेरिडोफाइट में लीव्स अगर छोटे हों तो उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल्स. और इसमें जैसे कि सिलेजिनेला में स्मॉल लीव्स पाए जाते हैं, अगर लीव्स लार्ज हों तो उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स जो कि फर्न्स में. अच्छा देखो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और फिल्स मतलब लीव्स. स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल, मैक्रो मतलब लार्ज और फिल्स मतलब लीव. इससे भी आप पता कर सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फ्यू जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स सो हेट्रोस्पोरी. दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, मैक्रो विच इज लार्ज एंड माइक्रो विच इज स्मॉल. माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर दो टाइप के स्पोर्स.
कुछ ही टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस होते हैं, जनरली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। उनमें दो टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक मैक्रो स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होता है कुछ पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेट्स। यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में ही, ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो में किस में टेक्स प्लेस करता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, एंड दिस इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ये क्या शो कर रहा है, एक शो कर रहा है कि ये सीड हैबिट्स धीरे धीरे आने वाला है, सीड हैबिट्स के ये प्रिकर्सर है प्रोसेस, ये सीड हैबिट्स के लगभग जैसा ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से माना जाता है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन में, जहाँ से अब आगे जाके सीड इवॉल्व हुए, ठीक है। आखिर क्यों ऐसा माना, क्योंकि जाइगोट जो है वो यंग एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप हो रहा है। पहले क्या होता था, फ्री लिविंग रहता था, ठीक है। तो ये हो गया, चलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फोकस बनाए रखिएगा हर एक लाइन से आपका। मैं एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया एनसीईआरटी का, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, ओव्यूल्स ओवरी वाल तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ओव्यूल्स ओवरी वाल्स में इनक्लोज नहीं होते हैं, एक्सपोज रहते हैं बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेकेड सीड्स। सीड्स को कवर करने के लिए ओवरी वाल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स आर मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। अच्छा, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रीज के रूप में भी पाए जा सकते हैं, टॉल ट्रीज या फिर श्रब्स के रूप में भी। द जेंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज, और ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इन जिम्नोस्पर्म द स्टेम में भी अनब्रांच्ड स्टेम किस में पाया जाता है, साइकस, और ब्रांच्ड स्टेम पाइनस और सिड्रस में, सिड्रस और पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम होता है, जबकि ये लाइन हूबहू नीट में आया हुआ है, ठीक है, साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम एंड पाइनस एंड सिड्रस में ब्रांच्ड स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द लीव्स में भी सिंपल और पिनेटली कंपाउंड। लीव्स सिंपल भी होते हैं या फिर पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स, कैसे लीव्स, जीरो फाइटिक कंडीशन के लिए एडॉप्टेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट, ठीक है, और जीरो फाइटिक कंडीशन के लिए अडॉप्ट होने के लिए कैसा लीफ होता है, नीडल लाइक लीव्स होता है, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रिड्यूस हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन में ये सब काम आते हैं। देयर थिक क्यूटिकल, ठीक है, एक बार अरेंज कर लूँ, ठीक है, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकेन एस्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। नीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जीरो फाइटिक कंडीशन के लिए कौन कौन सा एडेप्टेशन है, नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल एंड संकेन एस्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, एंड दीज आर जीरो फाइटिक कैरेक्टर्स इन जिम्नोस्पर्म। तीन चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जीरो फाइटिक कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स पहला, क्यूटिकल थिक होता है, और तीसरा एस्टोमेटा संकेन होते हैं, ये सब किस लिए है, वाटर लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। द मेल एंड फीमेल कोन्स मे बी प्रोड्यूस्ड ऑन सेम ट्री एज इन पाइनस और ऑन डिफरेंट ट्रीज एज इन साइकस। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में कि पाइनस मोनोसियस है कि डायोसियस है, साइकस मोनोसियस है कि डायोसियस है।
अच्छा मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पे अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा, मोनोसियस। तो पाइनस क्या है, मोनोसियस, मोनोसियस। और जबकि डिफरेंट ट्री पे प्रोड्यूस हो रहा है साइकस, तो साइकस क्या हो गया, क्या हो गया, डायोसियस। ठीक है, तो याद रखेंगे पाइनस इज मोनोसियस वाइल साइकस इज डायोसियस। अच्छा पाइनस और साइकस में ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डोंट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये स्पोरोफाइट्स पे ही डिमेंड रहते हैं। ठीक है, और स्पोरोफाइट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, न्यूरिशमेंट भी स्पोरोफाइट्स से ही, तो इसलिए कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इस पर भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, गैमेटोफाइट या ऐसे आ जाता है विच डोंट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। किसके गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो एग्जांपल हो गया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के गैमेटोफाइट्स के पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेंस, चलिए ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे लाइकेंस, वायरस एंड वायरवाइज। ठीक है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। चलिए बाय बाय।